राजगढ़ चूरू के अंदर विष्णुदत्त बिश्नोई जी की संदिग्ध हालत के अंदर मृत्यु हुई और एक जनता के थानेदार की कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य की बलबेदी पर जब एक एसएचओ की मृत्यु के समाचार मिले, मैंने और मेरे साथियों ने मांग की, शासन से मांग की, न्याय की मांग की, न्यायिक जांच के साथ साथ सीबीआई की जांच की मांग की। और उसके साथ जब हमने अपनी इस मांगों के लिए, न्याय संगत बातों के लिए प्रदर्शन किया, सोशल डिस्टेंसिंग से प्रदर्शन किया और उसके बाद मुकदमा होना, मैं समझता हूं ये मुकदमा मेरे लिए एक तरह से अपनत्व का है। मुझे इन मुकदमों से कोई घबराहट नहीं। न्याय की बात इस लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। सरकार का ये नादिरशाहीपूर्ण व्यवहार, चाहे पानी की मांग को लेकर हम बात कहें, चाहे विष्णुदत्त के बिश्नोई के बलिदान को उसको न्याय मिले, किन कारणों से, किन दबावों से उनको ये मृत्यु का वर्णन करने जैसा काम करना पड़ा, मैं समझता हूं ऐसे संघर्ष अनवरत करता रहूंगा। चाहे शासन में बैठे लोग कितने ही मुकदमों से मुझे क्यों नहीं लाद दे, मैंने पहले भी इनकी कचहरी देखी है, इनकी पुलिस को देखा है और अब भी देखूंगा। जब मेरे साथ आपका प्यार है, स्नेह है, मैंने आज तक जीवन के अंदर संघर्ष किया है न्याय के लिए, और न्याय के लिए मुझे मालूम है आप इस संघर्ष के इस युद्ध में मेरा निश्चित तौर पर साथ दोगे, मुझे यही उम्मीद है। मेरे मन में एक ही बात है कि काय का जनतंत्र है, अपने आप को आधुनिक गांधी कहते हैं कहने वाले गहलोत साहब किस प्रकार के नादिरशाही व्यवहार पर उतरे हैं, ये दुर्भाग्य है राजस्थान का।